गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप सभी को इस वीडियो में एक ऐसा एक्सफोलिएटर बनाना सिखाने वाली हूँ जो कि आपकी डेड स्किन और आपकी डार्क और डल स्किन को जेंटली रिमूव कर देगा और आपको बहुत ज्यादा फेयर, ग्लोइंग और रेडिएंट स्किन देगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है इस एक्सफोलिएटर को बनाने के लिए। और इस एक्सफोलिएटर को बनाने के लिए हमें सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। पहला इंग्रेडिएंट है नमक यानी कि सॉल्ट, फिर हमें चाहिए कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल, और लास्ट इंग्रेडिएंट जो हमें चाहिए वो है नींबू यानी कि लेमन। तो चलिए अब इस 100% नेचुरल एक्सफोलिएटर को बनाते हैं। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक कटोरी में 1 चम्मच नमक लेना है। अब आपको इस नमक के अंदर आधा नींबू निचोड़ना है, और आधा नींबू निचोड़ने के बाद मैं इसमें फिर से 1 चम्मच नमक और डाल रही हूँ, और लास्ट में आपको इसके अंदर 1.5 से 2 चम्मच कोकोनट ऑयल डालना है यानी कि नारियल का तेल डालना है। और नारियल का तेल डालने के बाद अब आपको इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि एक मीडियम कंसिस्टेंसी का पेस्ट बन जाए। और सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद आपका ये नेचुरल एक्सफोलिएटर या स्क्रब रेडी है और वो कुछ इस तरह दिखेगा। आप इस स्क्रब को एक एयरटाइट कंटेनर में 1 से 2 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। और इस स्क्रब को यूज करना भी बहुत ही आसान है। आपको ये स्क्रब सिर्फ थोड़ा सा लेना है और अपनी स्किन पर अच्छे से अप्लाई करके इसको 4 से 5 मिनट के लिए अपनी स्किन पर मसाज कीजिए। इस 100% नेचुरल एक्सफोलिएटर या स्क्रब के अंदर नारियल का तेल है जो कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। नमक आपकी स्किन पर से डेड स्किन, रिंकल्स और फाइन लाइंस को रिमूव करने में मदद करता है, और नींबू आपकी स्किन पर से सन टैन हटाकर आपकी स्किन को बहुत ज्यादा लाइटन और ब्राइटन करता है। नींबू आपकी स्किन पर से डार्क स्पॉट्स हटाने में भी बहुत ज्यादा मदद करेगा और आपकी स्किन को बहुत ज्यादा फेयर, ग्लोइंग और रेडिएंट ये स्क्रब बना देगा। और अच्छे से स्क्रब करने के बाद आप अपनी स्किन को ठंडे पानी से धो लीजिए और अपनी स्किन को पैड और मॉइस्चराइज कीजिए। और बेस्ट रिजल्ट्स पाने के लिए आपको ये स्क्रब हफ्ते में 2 से 3 बार यूज करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसी बहुत सारी इजी और इफेक्टिव होम रेमेडीज देखने के लिए। और सब्सक्राइब करने के बाद आप उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें मेरे वीडियोस की रेगुलर और फ्यूचर अपडेट्स पाने के लिए।